हरे कृष्ण। आप लोगों ने पूछा कि घर के बाहर जो हम लोग दहलीज पर दिया जलाते हैं ना, तो उसका ये जो लौ है वो घर के तरफ होना चाहिए अथवा तो ये लौ बाहर की तरफ होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मैं, ये मेरा घर है और ये मेरे घर के अंदर जाने का दरवाज़ा है, मैं घर के बाहर बैठा हूँ, मेरा दरवाज़ा बंद है, समझ गए आप लोग इतना। तो ये दिया आपको कैसे जलाना है, घर के अंदर इसका लौ दिखना चाहिए दिशा अथवा तो ये बाहर होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि दीपक में होता क्या है। देखिए, मिट्टी का दिया बड़ा ही शुभ माना जाता है दीपावली के दिनों में जलाने के लिए। तो आप लोग मिट्टी का दिया सबसे पहले अरेंज करिएगा और इसके अंदर एक रुई कभी मत लगाइएगा, आपको ना दो रुई लगानी चाहिए। यदि आप लोग पुराने बुज़ुर्गों को देखेंगे ना, तो वे लोग ऐसे ही दिया तैयार करते थे। और ये इसके अंदर तेल कौन सा होना चाहिए, तेल आपको सरसों का डालना है इसके अंदर, ठीक है ना। ये मैं दिवाली के दिन अथवा तो धनतेरस के दिन जो हम लोग घर के बाहर जो दिया जलाते हैं ना, अथवा तो कभी भी जब हम लोग शुभ मुहूर्त में दिया जलाते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। खास करके तो अभी दिवाली आने वाली है, उसके लिए समझ लीजिएगा। और नीचे आपको आसन रखना है, मैंने यहाँ पर गेहूँ का आसन रखा है, आप चावल का भी आसन रख सकते हैं या गेहूँ का भी आसन रख सकते हैं। अब देखिए, ये जो दिया हमने जलाया है, मैंने अभी तो जलाया जो वीडियो में, घर के तरफ फेसिंग कर रहा है, मैं बाहर बैठा हूँ घर के, ठीक है, ये घर के तरफ फेसिंग कर रहा है। लेकिन ये शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता है कि दीपक का लौ किधर होना चाहिए। शास्त्रों में ये जरूर मिलता है कि दीपक का लौ किस दिशा में होना चाहिए। तो यदि ये मेरी दिशा पूर्व की है ना, तो ये दीपक सही है। ये मेरी दिशा पूर्व की है तो ये लौ भी घर के अंदर तरफ ये दिखेगी। यदि ये मेरी दिशा पश्चिम है तो ये मेरा दीपक का रखना गलत है। मैं पश्चिम इधर है तो पूर्व इधर ही होगा ना, तो ये मैं दीपक घुमा दूंगा ऐसे। अब ये दीपक सही है यदि ये पूर्व दिशा है तो। अब मान लीजिए कि मेरी पूर्व दिशा इधर है, तो मैं इस प्रकार से रख दूंगा। इस प्रकार से आपको दहलीज पर दीपक जलाना है। यदि मेरा पूर्व दिशा इस तरफ है तो मैं इस तरफ घुमा कर रख दूंगा। दो दिशाएं हैं मुख्य रूप से, आप उत्तर की तरफ भी रख सकते हैं अथवा तो पूर्व की तरफ भी रख सकते हैं। लेकिन पश्चिम या दक्षिण की तरफ आपने जो दिया जलाया है ना, उसका लौ नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, आप सभी को शेयर कर देना ताकि सभी लोग इससे अवगत हों। और ये सरसों का तेल ही रखना है आपको, कई लोग तिल का तेल रखते हैं, नहीं, आपको सरसों का ही तेल रखना है। बाकी और भी ढेर सारी वीडियो आ रही है अपने चैनल पर, उसे भी देखिएगा। लक्ष्मी पूजन की भी वीडियो आ रही है, उसे भी जरूर देखिएगा और साथ में पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं वीडियो बनाऊंगा। हरे कृष्ण।